ये शीट ऐसी है, ये शीट है, ये शीट है, इस शीट के अंदर यहाँ अंदर ही अंदर करंट है, मोटी थी शीट है, करंट जा रहा है इसके अंदर, तो मैंने यहाँ डॉट 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 लिखा है, तो अंदर नहीं जा रहा करंट, इसमें बाहर आ रहा है, मतलब इस ऐसे ऐसे आपको कि हवा में आ रहा है, नहीं हवा में नहीं आ रहा, शीट इनफाइनाइट है, लंबी शीट है, इन बहुत बड़ी शीट है, मैं आपको अंदर का डायग्राम दिखा रहा हूँ, अंदर अंदर यानी कि अब मैं कॉपी खोलूँगा तो यहाँ यहाँ करंट चल रहा होगा अंदर आए पूरी शीट के अंदर, और ये ख़त्म तो हुई नहीं, कहीं सोचे कि ये ख़त्म हो गई, नहीं ख़त्म नहीं हुई, ये बाहर की तरफ ऐसे मूव करती जा रही है, मैं आपको अंदर का माइक्रोस्कोप से दिखा रहा हूँ कि देखो ऐसा अंदर करंट ऐसे दौड़ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, इमेजिन कर रहे हो इस चीज़ को, ठीक है, तो करंट है इसमें शीट के अंदर करंट जा रहा है, और आपको इस इनफाइनाइट शीट के ऊपर और नीचे, क्योंकि करंट कैरिंग वायर के, वायर के ऊपर तो भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो शीट के ऊपर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इस शीट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर कहीं पर भी कोई दो सेंटीमीटर, चार सेंटीमीटर, कितना भी आपको भी निकालना है, आपको क्या फर्क नहीं पड़ता, दो या चार सेंटीमीटर भी तो चेंज होना चाहिए, नहीं इनफाइनाइट शीट का भी चेंज नहीं होता, जैसे आपको फ्लक्स की एप्लीकेशन याद है, आखिरी एप्लीकेशन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, तो ई की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ऐसी बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इनफाइनाइट शीट है ना, लॉन्ग शीट है, तो बी कहीं भी निकालोगे ऊपर नीचे सेम आएगा, तो क्या करना है इसमें, ACL, क्या है ACL, क्लोज लूप, एम्पियर सर्किट लॉ लगा के प्रूफ करें, एक काम करो, सबसे पहले क्लोज लूप लो, क्लोज लूप का पाथ वहां से जरूर पास किया जाता है जहां से बी निकालना है, तो जैसे मुझे यहां पे बी निकालना है, जैसे मुझे यहां पे बी निकालना है, मतलब शीट के ऊपर भी निकालना है, शीट के नीचे भी कहीं भी निकालना है, तो मैंने एक क्लोज लूप रेक्टेंगल ले लिया, तो रेक्टेंगल एक क्लोज लूप है, ए बी सी और डी, कोई डाउट इसमें, रेक्टेंगल एक क्लोज लूप है, इमेजिनरी है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं दिखेगा, इमेजिनरी है, ले लिया, अब क्या करेंगे, इस क्लोज लूप का क्या निकलेगा, बी डॉट डीएल, चार हिस्सों में निकलेगा, बी डॉट डीएल इसका, बी डॉट डीएल इस पोर्शन का, बी डॉट डीएल यहां का, बी डॉट डीएल यहां का, कोई डाउट इसमें, तो बी डॉट डीएल की वैल्यू ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, कोई डाउट, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, ठीक, तो करें स्टार्ट, ये मैं करूंगा कि अगर हम ऐसे जा रहे हैं, हम परपेंडिकुलर जा रहे हैं अगर, और यहां पर अगर बी की डायरेक्शन देखें, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, मिस कर जाओगे अगर बात करोगे तो, मिस कर जाओगे, ध्यान आगे, करंट कहां पर है मुझे बताओ, बोर्ड के बाहर है, ध्यान से, थंब मान लो ये स्ट्रेट वायर ही है, ये शीट में करंट इमेजिन करो, बहुत सारी स्ट्रेट वायर का करंट है, तो जब स्ट्रेट वायर बोर्ड के बाहर आ रही है इधर, तो अपना राइट हैंड थंब करंट के साथ, करंट के साथ, तो बी कैसे होगा, लेफ्ट, यहां पे बी कैसे होगा, लेफ्ट, जहां मर्जी ले लो लेफ्ट ही लेफ्ट आएगा, अब इमेजिन करो, अगर आप इमेजिन करो कि ये एक वायर ले लो कोई भी, इमेजिन करो एक वायर है जिसमें करंट है, तो स्ट्रेट वायर में जब करंट जा रहा होता है तो थंब करंट के साथ है, ये करंट के साथ है, तो अगर कोई पॉइंट ऊपर लाई करता है इसके यहां पे, इस वायर के ऊपर, तो बी कैसे आएगा, मेरी तरफ आएगा, ऐसे ही है, बी मेरी तरफ आएगा, ये देखो, ये देखो करंट इधर है, तो बी कैसे है, ऐसे है, आप ऊपर लेंगे तो बी कैसे है, जहां मर्जी ले लें बी ऐसे है, और अगर आप नीचे कोई पॉइंट लेते हैं तो करंट अभी भी बाहर है, जब नीचे लेते हैं तो बी कैसे है, मेरी ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऊपर जाते हैं तो पूरा बी लेफ्ट है, नीचे आते हैं पूरा बी राइट है, कोई डाउट इसमें, बाइट सर्विट लॉ की एप्लीकेशन है, स्ट्रेट वायर है तो थंब करंट के साथ है, थंब करंट के साथ है तो बी लेफ्ट है और इधर राइट है, अब मुझे एक बात बताओ कि बी इस पूरी वायर के यहां लेफ्ट 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 है और यहां पे राइट 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 है, मैं बना देता हूं यहां पे, आपने बनाना आप भी बना लो, तो यहां पे लेफ्ट 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 है लेकिन यहां पे राइट राइट और राइट है, ये लो, ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये वायर देख रहे हो सी बी, सी बी वायर कैसी है, ऐसी है, और बी या तो लेफ्ट है इसके ऊपर या तो राइट है, आधे पोर्शन में लेफ्ट है आधे पोर्शन में राइट है, ये बताओ बी में और डीएल में एंगल क्या बनेगा, 90, बी तो इस डायरेक्शन में या इधर है और लेंथ तो ऊपर या नीचे है, तो एंगल लेंथ में और बी में क्या बनेगा, 90, क्लियर है यहां तक, इसीलिए बी सी पोर्शन का, बी से लेके सी पोर्शन का रिजल्ट क्या आएगा, जीरो,
ये टूट गया। ऐसे ये सेम स्टोरी यहां पर लेंथ वाई एक्सिस में है, बी लेफ्ट में है या राइट में है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, लेंथ के साथ तो एंगल 90 ही बनेगा। तो इसलिए फिर से एक बार डी से लेके ए तक, डी से लेके ए तक का आंसर भी सीधा सीधा जीरो है। तो दो आंसर तो जीरो हो जाएंगे, एक इस वायर का और एक इस वायर का। क्या ये स्टेप क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? कि ये तो हमने सॉल्वेंट में भी किया था कि बी की वैल्यू अगर लेफ्ट या राइट है और लेंथ परपेंडिकुलर है तो बी डॉट डी एल में एंगल क्या बनेगा? 90, आंसर जीरो आएगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैं ये वाला एलिमेंट लेता हूं, ये वाला, इसके अंदर बी कहां पर है? लेफ्ट है। और ये जो लेंथ है मान लो वो एच है, मान लो यहां से यहां तक लेंथ, लंबाई एच है। तो ये कितना है? बी। और लेंथ भी वही लेते हैं जिस तरफ बी जा रहा होता है, ये भी बताया था। बी अगर लेफ्ट जा रहा है तो लेंथ भी लेफ्ट ले लें, बी अगर राइट जा रहा है तो उसकी लेंथ भी राइट ले लें। तो जैसे यहां पर बी कहां जा रहा है? लेफ्ट। तो लेंथ भी क्या लेंगे? सी डी। तो लेंथ कितनी है? एच। तो बी इंटू एच इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज जीरो। ऐसी यहां पर बी कहां पर है? इस तरफ। लेंथ कहां लेंगे? इस तरफ। तो जब बी के साथ लेंथ चल रही होती है तो उसके साथ ही लेते हैं। तो इसमें भी एंगल क्या बनेगा? जीरो। तो यहां पर बी डॉट डी एल क्या बनेगा? बी इंटू एच। और यहां पर भी क्या बनेगा? बी इंटू एच। तो अब चेक करो, दो जो वैल्यूज आई बी इंटू एच, क्योंकि एंगल दोनों में क्या बन रहा है? बी और एच में जीरो। ये स्टेप समझ में आया? दो साइड में बी एंड लेंथ में एंगल 90, वो तो गया। ऊपर बी कहां पर है? मान लो इस तरफ, लेंथ भी इस तरफ लेनी है। नीचे भी अगर इस तरफ तो लेंथ भी इस तरफ लेनी है। तो एंगल हर हालत में क्या रहेगा? जीरो जीरो। तो बी इंटू एच, बी इंटू एच, तो ऐड करेंगे तो 2 इंटू बी इंटू एच। तो पूरे क्लोज लूप का आपने क्या निकाल दिया? बी डॉट डी एल। कोई डाउट इसमें? तो बी डॉट डी एल की वैल्यू आ गई इसमें। समझ में आ रहा है यहां तक? तो बी डॉट डी एल की वैल्यू ये आ गई। लेकिन एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है कि बी डॉट डी एल क्या होता है? म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट इस पूरे क्लोज लूप में से पास कर रहा है। बोलो कितना करंट पास कर रहा है? इतना करंट पास कर रहा है बस। कितनी लेंथ में? एच लेंथ में। वैसे तो वायर की लेंथ बहुत सारी है, बहुत लंबी है, पर हम कितनी लेंथ लेंगे? सिर्फ एच लेंथ लेंगे। तो एच लेंथ के अंदर कितना करंट पास हो रहा है वो कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करें। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक टर्म लेंगे जिसको हम मान लेते हैं, चलो उसको बाद में इंट्रोड्यूस करता हूँ, पहले एक छोटा स्टेप और लो। मान लो एक मिनट के लिए कि इसमें करंट कितना है, बस इतने पोर्शन में कितना करंट है? आई करंट है। मान लो टोटल करंट तो मुझे पता नहीं शीट में कितना है, तो बहुत सारा करंट है, पर मैं जिस क्लोज पाथ की बात कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ ये करंट है, ये करंट कितना है? आए, जो कि कितनी लेंथ में पास कर रहे है? एच। मेरा करंट आए है मान लो। क्लियर है यहाँ तक? इमेजिन कर लो आई करंट है, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, म्यू नॉट इन बी डॉट डी एल क्या होगा? म्यू नॉट इन टू आई, क्योंकि मेरे क्लोज लूप के अंदर मैंने माना कि आई करंट है। इन दोनों को इक्वेट कर लें, इक्वेट करके ये आ गया, बी की वैल्यू आ गई। अब आई करंट एच लेंथ में पास कर रहा है, आई करंट एच लेंथ में पास कर रहा है। अब एक्चुअल में देखा जाए तो एच तो मेरी मर्जी का बना हुआ है, मैं क्लोज्ड पाथ छोटा भी बना सकता हूं और बड़ा भी बना सकता हूं। तो एच तो हर बच्चे का अपना अपना बनेगा, आपका अपना, मेरा अपना बनेगा। अब एच अगर बड़ा छोटा होगा तो अंदर करंट भी बड़ा छोटा ही होगा। अगर तुम बड़ा लूप बना दोगे एच, तो फिर आई भी ज़्यादा होगा। कोई छोटा बनाएगा तो उसका आई भी कम होगा। यानी कि आई और एच तो इमेजिनरी लिए मैंने, इमेजिन किए हैं, ये वैल्यू थोड़ी ना इसकी कोई फिक्स, हर स्टूडेंट की डिफरेंट आएगी। तो इसीलिए हम आई और एच में काम नहीं करते, एंड में आई अपॉन एच को रिप्लेस करते हैं बाय जे, या रिप्लेस करते हैं बाय लैम्डा। लैम्डा या जे एक ही बात है। आई बाय एच होता है करंट कितनी लेंथ में पास कर रहा है, कितना करंट कितनी लेंथ में पास कर रहा है। आई करंट एच लेंथ में से पास कर रहा है, तो इसको बोलते हैं लीनियर करंट डेंसिटी। देखो एक होती थी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिसिटी में की थी, वो क्या होती थी? करंट बाय एरिया, वो करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी अगर अकेली अकेला वर्ड यूज करता हूं तो करंट बाय एरिया होता है। अगर मैं लीनियर वर्ड यूज करता हूं तो एरिया वर्ड नहीं आ सकता, लीनियर में लेंथ आता है। तो लीनियर करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? कितना करंट पास कर रहा है, कितनी लेंथ में पास कर रहा है, यानी कि करंट अपॉन लेंथ। अब कितना करंट पास कर रहा है? आई। और कितनी लेंथ में पास कर रहा है? एच। तो इसका सिंबल कई बुक्स जे लगाती हैं, मेरे को पर्सनली जे पसंद नहीं, क्योंकि मैं जे में कंफ्यूज हो जाता हूं कि ये जे
करंट इलेक्ट्रिसिटी की करंट डेंसिटी है, करंट बाय एरिया वाली करंट डेंसिटी है कि करंट बाय लेंथ वाली करंट डेंसिटी है? तो मेरे को पसंद है क्या सिंबल? लैम्डा, लैम्डा क्योंकि लेंथ वाइज चलता है। तो मैं अपना रिजल्ट म्यू नॉट लैम्डा बाय जे लगाऊंगा, पर मेरी सुनवाई कहीं नहीं है। कोई बुक अगर कोई क्वेश्चन ही जे में पूछती है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेरे को अपना आंसर जे में करना पड़ेगा। वो लेकिन डिफाइन करेगा क्वेश्चन पूछने वाला कि यहाँ पर जे करंट बाय एरिया वाला करंट डेंसिटी है या करंट बाय लेंथ वाली करंट डेंसिटी है। और अगर नहीं भी गिवन होगा, अगर तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है फिर तो करंट बाय एरिया है, और अगर मैग्नेटिक का क्वेश्चन है तो करंट बाय लेंथ है, इसमें एरिया यूज ही नहीं होता, बात ही खत्म हो गई। तो मतलब आपको समझ में आ गया मैं क्या समझा रहा हूँ? तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, म्यू नॉट लैम्डा बाय टू। कोई डाउट है उसमें? क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपकी पांचवी एप्लीकेशन है। मैंने ये पांचवी एप्लीकेशन एनसीईआरटी में आती, मेरा एक्सपीरियंस है, नहीं देखी, चार ही देखी हैं, पांचवी मैंने अलग ऐड की हुई है। मेरे को लगता नहीं है कि एनसीईआरटी में है कि नहीं, आप चेक कर लेना, पर ये है एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन तो है ही है ये, ठीक। पर इसका कॉम्पिटिशन में न्यूमेरिकल आता देखा है, कॉम्पिटिशन में एक ही टाइप का न्यूमेरिकल आएगा इसका, अगर आएगा वो ये न्यूमेरिकल है। मैं दिखाता हूँ ये क्या न्यूमेरिकल, ये ना शीट ना सही तरीके से स्कैन नहीं हुई दरअसल, थोड़ा इसका इसमें ब्लर हो गया थोड़ा सा। चलो मैं फिर से एक बार आपको लिख के दूंगा ये शीट, थोड़ा और आप उसमें पंच उसमें लगा लेना बुकलेट में, नेक्स्ट टाइम लिख के लाऊंगा मैं, थोड़ा और क्लियर लिख के लाऊंगा इसे, ठीक। अभी के लिए काम चलाते हैं, दो शीट्स हैं, ठीक है, दो शीट्स हैं। पहले बी का फॉर्मूला सबको याद हो गया, बी का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट लैम्डा बाय टू, म्यू नॉट लैम्डा बाय टू, जे बाय टू बोलना है जे बाय टू बोल लो, म्यू नॉट लैम्डा बाय टू लैम्डा बाय टू। मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये देखो, सपोज करो स्कूल ओपन हो गए सबके, ओपन क्या ये चैप्टर चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया? कितनों का खत्म हो गया? ये खत्म हो गया, कितनों का शुरू हुआ है और कितनों का भी होना है स्कूल में स्टार्ट? अच्छा, ठीक है। और आपके कब एट ये यूनिट टेस्ट पर चल रहे हैं क्या? चल रहे हैं, ओके। मतलब जुलाई और अगस्त के बीच में होने हैं, जुलाई अगस्त में होने या हो रहे हैं या होने हैं, ऐसा ही है, ठीक है। और सितंबर में फुल टर्म बनाएगा, वॉल्यूम बनाएगा, वो तो मुझे पक्का पता है, वो तो 5 या 8 सितंबर पर समझो आया, समझो पूरा वॉल्यूम वन आएगा आपका प्लस टू का, ये तो कन्फर्म है, ये तो मैं हर साल ही देखता हूँ। तो आपको ऐसा लगे या ना लगे मेरा सिलेबस ख़त्म होगा ही नहीं हुआ, स्कूल वाला तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो करें स्टार्ट। देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये मान लो आपके पास कोई इनफाइनाइट शीट है, दो शीट्स हैं, एक ये शीट है और एक ये शीट है, राइट। इस शीट में ये रहा करंट है, ये देखो ये करंट है, ये लो, तो इसमें शीट में करंट है, दोनों शीट्स में करंट कहां आ रहा है? बाहर आ रहा है। इसकी डेंसिटी जे है, इसकी डेंसिटी भी करंट डेंसिटी जे है, कौन सी? लीनियर करंट डेंसिटी। लैम्डा लिखना है लैम्डा लिख लो, जे लिखना है जे लिख लो, दोनों की बराबर है, यानी कि दोनों में करंट अपॉन लेंथ सेम है। क्वेश्चन नंबर वन, मुझे पॉइंट नंबर वन पे नेट बी बोलो क्या लगेगा, कौन लगाएगा? इनफाइनाइट शीट्स लगाएंगी, शीट का फॉर्मूला क्या होता है बी का? म्यू नॉट जे बाय टू। तो ये शीट कितनी लगाएगी? म्यू नॉट जे बाय टू। ये भी क्या लगाएगी? म्यू नॉट जे बाय टू। डिस्टेंस का तो कोई चक्कर है ही नहीं इसमें, चाहे नजदीक पॉइंट हो चाहे दूर पॉइंट हो, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। तो मेन है डायरेक्शन, राइट हैंड करंट यहां पर कैसे है? बाहर, राइट हैंड करंट बाहर। तो वन पॉइंट पर बी की डायरेक्शन कैसी होगी? टुवर्ड्स लेफ्ट। वन पॉइंट पर बी की डायरेक्शन कैसी होगी? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये मैंने शीट नंबर वन की बात की, तो शीट नंबर जो वन है, राइट, जो आपकी शीट नंबर वन है, जो शीट नंबर वन है वो कितना बी लगाएगी? म्यू नॉट जे बाय टू टुवर्ड्स लेफ्ट। कोई डाउट? ठीक है। अब शीट नंबर वन का कंट्रीब्यूशन हो गया, शीट नंबर टू का कंट्रीब्यूशन, ये भी तो यहां बी लगाएगी,
सेम लगाएगी कितना म्यू नॉट जे बाई टू, डिस्टेंस का चक्कर ही नहीं है, डायरेक्शन। इसका तत्व कहाँ है, बाहर है। ये लो, अगर मेरी फिंगर लंबी होती तो मैं थंब ऐसे करके आपको दिखाता, ये भी कहाँ है, टूवर्ड्स लेफ्ट है। तो अगर करंट ऐसे है तो कोई भी पॉइंट अगर इस शीट के ऊपर है तो कहाँ आएगा, आंसर टूवर्ड्स लेफ्ट आएगा। तो ये भी क्लियर है। तो ये भी फॉर्मूला क्या लगाएगा, म्यू नॉट जे बाई टू टूवर्ड लेफ्ट, नेट आंसर क्या आएगा, दोनों को ऐड करके टूवर्ड्स लेफ्ट, फर्स्ट आंसर सही है। ये तो कूलम उसकी गॉस थ्योरम की तरह ही तो है, शीट्स वाली प्रॉब्लम। फिर ये लो पॉइंट, यहाँ लेते हैं, यहाँ पे बताओ ये सेम लगाएगा म्यू नॉट जे बाई टू, ये भी सेम लगाएगा, डायरेक्शन थंब इधर, इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ है, टूवर्ड्स लेफ्ट, थंब इधर, कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ है, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ये शीट नंबर टू म्यू नॉट जे बाई टू टूवर्ड्स लेफ्ट, इसकी बात करें, करंट कहाँ पर है, बाहर। बी कैसे है, पॉइंट अब नीचे है, करंट बाहर है तो बी कैसे है, टूवर्ड्स राइट, देख रहे हो राइट, तो आंसर तो सेम ही है। तो नेट बी क्या आएगा, जीरो। समझ में आ रहा है, दोनों बी एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल। और अगर पॉइंट यहां पे है तो ये करंट कैरिंग वायर, कोई भी पॉइंट इसके नीचे है तो बी कैसे होगा, लेफ्ट राइट, ये रहा करंट ऐसे है, ऐसे, इसका भी कैसे है, ऐसे। तो इसके अंदर दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन म्यू नॉट जे बाई टू एंड म्यू नॉट जे बाई टू टूवर्ड्स, ऐड कर लेना आंसर। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कल को वो ये भी कर सकता है, यहाँ डॉट 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 दे, यहाँ क्रॉस 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 दे, क्रॉस का मतलब करंट अंदर है, तो आंसर चेंज हो जाएंगे। सारी गेम किसकी है, डायरेक्शन की, कि फॉर्मूला तो सबको याद ही है म्यू नॉट जे बाई टू, फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि किसी को क्या नहीं आती, डायरेक्शन। मैंने बोला था ना बिना डायरेक्शन के मत पढ़ना चैप्टर, वो गलती हो जाएगा, सॉल्व होएगा ही नहीं। ठीक है यहाँ तक, तो समझ में आ रहा है कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा। ठीक,